नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। एंड टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे यूज करोगे, कैसे आप जो है टेक्निकल एनालिसिस करके अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी को काफ़ी जो है सही कर सकते हो। मैं फिलहाल बेसिक बात करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा डीप बात नहीं करूँगा, बट जो बिगनर हैं उनको बेसिक पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है, अगर आपको बेसिक नहीं पता होता ना तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको जो है मार्केट के ट्रेंड एंड मार्केट का सपोर्ट, मार्केट का रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लॉस वगैरह फेस कर रहे हो तो उनको भी काफ़ी अच्छा रिकवर कर सकते हो। वीडियो को सीधा सा कंटिन्यू कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर किस तरह से मार्केट में सपोर्ट बनता है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट है एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब ये काम कैसे करता है, आपके मन में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी कि यहाँ पर तो कैंडल स्टिक आराम से इस तरह से चल रही थी एंड यहाँ पर आया एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पे सपोर्ट बन गया। अब आखिर ये सपोर्ट कैसे है एंड ये रेजिस्टेंस कैसे है, अब आपके मन में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है कि यहाँ पर जो है मार्केट का रेजिस्टेंस है, अपसाइड में मार्केट का रेजिस्टेंस है एंड डाउन साइड में यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है। बट ये रेजिस्टेंस यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट में इस समय पे सपोर्ट का काम कर रहा है, बट प्रीवियस टाइम में ये रेजिस्टेंस का काम ही कर रहा था। अब वो किस तरह से मैं आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या कैसे भी चल रही है, मार्केट में आराम से कोई भी मोमेंटम चल रहा है एंड मार्केट एक साइड पे आने के बाद लाइक मार्केट यहाँ पर आ रही है कई बार एंड डाउन जा रही है, फिर अपसाइड आ रही है एंड यहाँ पर आने के बाद फिर से डाउन आ रही है। जब इस तरह से चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर मार्केट का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाता है जिसको मार्केट तोड़ नहीं पाती है एंड अपने रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद मार्केट अपने सपोर्ट जोन पर आने की कोशिश करती है। एंड मार्केट जब डाउन आती है, डाउन आने के साथ साथ आप देख ही सकते हो यहाँ पर मार्केट जो है कई बार डाउन आई एंड यहाँ से फिर से अब चली गई, फिर से डाउन आती है एंड अपने सपोर्ट को लेने के बाद मार्केट फिर से अब चल जाती है। जब मार्केट में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो वहाँ पर मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। बट फिर क्या होता है, जब सपोर्ट टूट जाता है या फिर रेजिस्टेंस टूट जाता है तब क्या होता है, तब यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट जो है वो चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। जो मार्केट का रेजिस्टेंस था, लाइक यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस, हम अगर मानते हैं कि यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट का जब ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो यही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। एंड इसके अलावा मार्केट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किस तरह से काम करते हैं हम इस पर भी बात करेंगे, फिलहाल के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनेगा। यहाँ पर मार्केट जो है मार्केट इस लाइन पर आ रही है एंड यहाँ से ऊपर जा रही है एंड ऊपर जाने के साथ साथ मार्केट यहाँ पर आने के बाद मार्केट डाउन आ रही है। आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है कि मार्केट कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरह से वर्क कर रहा है एंड कुछ इसी तरह से यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। अब वो किस तरह से, मार्केट अप आई, अप आने के बाद अपने रेजिस्टेंस जो अपसाइड पर बनता है ये होता है रेजिस्टेंस एंड इसके अलावा जब मार्केट डाउन आती है, डाउन आने के बाद एक लाइन पर आने के बाद मार्केट अप चल जाती है एंड उस चीज़ को तोड़ नहीं पाती तो वहाँ पर बन जाता है मार्केट का सपोर्ट। आपको ये चीज़ बहुत ही समझनी ज़रूरी है कि मार्केट का सपोर्ट बन जाता है डाउन साइड में, अप साइड में मार्केट का रेजिस्टेंस बन जाता है जितनी दूरी में, जितने बीच में मार्केट जो है घूमती रहती है। बट जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो यही जो रेजिस्टेंस था वो दूसरा नया सपोर्ट बन जाता है एंड ऊपर जाके नया रेजिस्टेंस बनता है। जो नीचे वाला सपोर्ट था वो जब नेक्स्ट टाइम में ये सपोर्ट टूटेगा जो नया बना है तब के टाइम में काम आएगा एंड ये सपोर्ट दूसरा वर्क करेगा, बट अगले टाइम में जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा या सपोर्ट टूटेगा, इस तरह से मार्केट वर्क करती है। मेरे हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड या फिर साइडवे ट्रेंड, ये किस तरह से काम करता है। मार्केट में ट्रेंड कुछ इस तरह से काम करता है, मार्केट जब कुछ इस तरह से जा रही होती है अप साइड में, ठीक है, हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो मार्केट जब कुछ इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड बनाते हुए मार्केट ऊपर चली जाती है इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी जिसको आप आराम से डाउन से मार्केट की डाउन साइड से यहाँ से ऐसे करके क्लिक करोगे, जब ऐसे एक लाइन खींचोगे तो आपको वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी जिसको हम ट्रेंड लाइन बोल देंगे, ठीक है, अप साइड अप ट्रेंड बोल देंगे, अप ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं। इसके अलावा
जस्ट इसके उलट जब मार्केट डाउन आती है कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर तो खैर बना हुआ नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि लाइव मार्केट में यहाँ पर कुछ अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पर अप ट्रेंड बनता हुआ चला गया, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह से बनता है, आप देख सकते हो मैं लाइव इसी जो मार्केट मैंने ओपन करके रखी हुई थी, मार्केट में डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह से बनता है। बट ऐसा भी नहीं है कि मार्केट वहाँ पर अप एंड डाउन बिल्कुल जाएगी नहीं, मार्केट उस समय पर भी कुछ इस तरह से वर्क करेगी, मार्केट डाउन भी आनी होगी तो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है, एंड मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में जाएगी। मेरे हिसाब से अप ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा, डाउन ट्रेंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है थर्ड नंबर जो होता है साइडवे ट्रेंड, वो भी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ। साइडवे ट्रेंड कुछ इस तरह से काम करता है, जहाँ पर मार्केट ना अप जा रही होती है ना डाउन जा रही होती है कुछ खास, एक ही बीच में थोड़ी दूरी में मार्केट कुछ इस तरह से घूमती रहती है, इसको हम बोलते हैं साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, एकदम मैं बिगनर के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आप अगर थोड़ा सा जब अपर लेवल के हो जाओगे तब आप साइडवे ट्रेंड में भी पैसा बना सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बट टेक्निकल एनालिसिस में ये तीनों चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी हैं। मैंने तीनों चीज़ें सिखाने की आपको कोशिश की है कि मार्केट में साइडवे ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये तीनों ट्रेंड कैसे काम करते हैं, इसके अलावा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, मैंने वो भी बताने की आपको पूरी कोशिश की है। उम्मीद करूँगा सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।